कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कांडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाए इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज है जी इस वीडियो में सरप्राइज है आशा फैमिली ब्लॉग के लिए, तो जो मिलेगा आपको एंड पे तो वो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और फिर आपने आशा फैमिली ब्लॉग का जो सरप्राइज है वो आपको एंड पे के मिलेगा जी। नाश्ते के लिए एक्स्ट्रा कर लिए हैश ब्राउन एंड वॉफल्स बन रहे हैं, ये मेरी प्लेट है, मैंने अपना थोड़ा सा ज़्यादा पकाया, ब्रेड जो है वो टोस्टर में रख दिया गया है, अभी ब्रेड होती है निकालती हूँ, ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं बटर। हाथ में पकड़ा होना कैमरा तो काम हो गया, बाकी को भी मैं इसी तरह लगा लेती हूँ, हैश ब्राउन और वाफल्स बन गए। नाश्ता यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये मेरी प्लेट है, ये अमर की चाय ड्रिंक, यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा काम करूँगी साथ साथ में, तो चलें जी बाकी देखते हैं दिन की रोटी। ये देखें बस दो दिन से इसको साफ नहीं किया और मिट्टी ऐसे लग रही है कि जैसे पता नहीं क्या है। ठंड शुरू हो गई है अब वैसे यूके में, तो सर्दी सर्दी एक दिन किसी चीज पे डस्टिंग ना करो तो मिट्टी नज़र आना शुरू हो जाती है, ब्लैक पे तो ज़्यादा ही आती है। पता नहीं कौन मुझे पाकिस्तान से बोलता आपके तो डस्टिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको कौन सा डस्टिंग करनी पड़ती है, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये आप कहते हो, हमें भी रोज़ ही करनी पड़ती है, एक दिन किसी चीज़ पे ना करो उसके ऊपर मिट्टी चमकना शुरू हो जाती है। तो ये देखें जी हल्का फुल्का हाथ रोज़ फेरना ही पड़ता है, ना फेरें तो फिर पता नहीं कितनी कितनी ज़्यादा लगे, तो चीज़ों को वापस वहीं पे रखते हैं। ओवन ग्लव्स भी मैं यहीं पे रखती होती हूँ, ढूंढने में आसानी हो जाती है। और ये एक स्पीकर इधर रखा हुआ है हमने नातें वगैरह सुनने के लिए, किचन में कुछ भी जो भी किसी ने सुनना हो। ये हो गई ये शेल्फ साफ, माइक्रोवेव मैंने ऑलरेडी कर दिया, फिर एक दफ़ा कपड़ा फेर देते हैं। चलिए जो ने अपने स्नैक्स वगैरह रखे हुए होते हैं इस कबट में ज़्यादा था। फ्रीजर के ऊपर से भी कर देते। अच्छा जी ये हमारा एक और बिस्किट टिन है, इसमें से बड़ी मज़े की आवाज़ आती है देखें। ये ना पीछे वाली वॉल मुझे जरा तो कुछ लग रही है, इसके ऊपर क्या लगा कलर फेंका हुआ है, इसको भी अब लगते हाथ कर ही दो नजर आई है तो। हो गई ये सब
ठीक हो गई है अभी जी। ब्रूम बाथरूम में भी काटे, अभी माफ करना है तो उससे पहले सिंक और शावर को धोना है, तो पहले सिंक और शावर को अच्छे तरीके से साफ कर दूँ, स्पंज को धो के इसके ऊपर हम लगाएंगे, इसको अच्छे तरीके से धो दूंगी। रोज़ की चीज़ें साफ की हो ना, रोज़ रोज़ मेरा तो असूल है जी कि हर रोज़ चीज़ को साफ करो, नहीं करोगे तो हर तरफ गंद ही जमेगा। ये नहीं कि अपना मुंह साफ सुथरा करके बैठ जाओ और जहाँ पे बैठना है वो चीज़ें गंदी हों, तो इसलिए अपने घर की सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ है जो। ताकि अंदर भी किसी चीज के फंगल वगैरह ना लगे, लेकिन लोग तो खाने वाली जगहों पे भी कहीं के लगी हुई होती है। मैं तो इसको पानी के साथ ही धोती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तो स्प्रे यूज करते हैं, मैंने इसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज करती हूँ ताकि हर चीज धोई जाए। अब देखिए पानी इस तरीके से डालें कि वो नीचे ना गिरे, मैं इस तरीके से इसको धोती हूँ कि पानी मेरा कभी भी सिंक से नीचे नहीं गिरा। ये देखिए सिंक बड़े अच्छे तरीके से साफ हो। अब मुझे किसी ने मैसेज किया, दो दफ़ा उसी औरत ने किया, उसको पता नहीं क्या है उसका या मरता जो भी है, कि आप राइट हैंड से नहीं खाते, तो ये मेरा राइट हैंड है, आपको मेरी रिंग से पता चल जाएगा। ये देखिए जिसको ये ज़्यादा यूज़ करूँगी, और कैमरे का होता है आपने कैमरे के एंगल को किस तरफ रखा होगा, तो वो आपको मे भी लेफ्ट लगता होगा लेकिन मेरा वो राइट है। अभी ये मैं पीछे से भी करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि पीछे अगर आप पानी छोड़ दो ना तो फिर उससे वहाँ पर फंगल लगते, लेकिन हमने ये एंटी फंगल लगाए हैं पीछे से, इसकी लगती नहीं है। काफ़ी साल इस बाथरूम को चेंज किए होंगे, कभी आज तक लगी तो नहीं है। इसकी टाइलें मुझे करनी है साफ बाथरूम की पूरी वॉल्स की, तो वो आप लोगों के सामने ही करूँगी जिस दिन भी करूँगी, और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, करूँगी किसी दिन इंशाल्लाह। ये हो गया जिससे, और अभी इसको मैं करूँगी ड्राई, ये नहीं कि गीला ही छोड़ देना, ड्राई भी करना है अच्छे तरीके से, सिंक को ड्राई कर दूँगी ताकि धोए हुए का कोई फ़र्क भी तो पड़े ना, पता भी लगे ना कि साफ किया है। ये हो गया जी सिंक साफ, ऊपर जिसके ऊपर चीज़ें रखते हैं उसको भी मैं रोज़ ही उठा के इस शेल्फ को भी इस तरह अच्छे तरीके से साफ ही कर देती हूँ। साफ सुथरा हो गया, चीज़ें वापस रख देते हैं। देखें फेस वॉश भी तो चलें जी, सिंक हो गया साफ, अब बाथरूम शावर को भी मैंने कर दिया, धो दिया, टॉयलेट में भी ब्लीच डाल दिया, तो अभी करते हैं माप। अच्छा जी, तो आशा फैमिली व्लॉग के लिए जो सरप्राइज़ है वो ये है कि उनके चैनल जो है क्रिएट हो चुका है, उनका चैनल बन चुका है और उस पर वीडियो भी आ चुकी है, तो उनके आज के उनके जो चैनल का लिंक है वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उनको पहले जितना प्यार दें ताकि वो अपने आप को उठा सकें। तो ये है एक पहली सी कोशिश जो आशा फैमिली व्लॉग की तरफ से हुई है, और उनको ज़रूर जाके बताइएगा कि हम इरम आपकी तरफ से आए हैं। तो ये था आज का आशा फैमिली व्लॉग के लिए सरप्राइज़, तो प्लीज़ 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 उनके लिए जितना हो सके करिएगा, उनको उतना ही प्यार दीजिएगा और उनको बताइएगा कि हम कहाँ से आए हैं।
तो इन तीनों को हमने उठाना है वापस से, क्योंकि दुश्मन गिरा रहे हैं, हमने उठाना है। दुश्मन हर हमला कर रहा है लेकिन हमने उस हमले को काट के फेंकना है। तो चले लेती हूँ आपसे ज़्यादा, अपनी रम आपको दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि अपनी प्यारी प्यारी फैमिली, इफ यू मोर फैमिली, अल्लाह हाफिज़ो, अल्लाह हाफिज़ो।